हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की ये मेरी वीडियो बेसिक लेवल की पार्ट 4 वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में जीएसटी को कैसे प्रॉपरली इनेबल करेंगे। इससे पहले कि मेरी 3 वीडियो है बेसिक लेवल की, जिसमें मैंने बता दिया है कि टैली को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, टैली को कैसे एक्टिवेट करना है अगर आपने लाइसेंस परचेस किया टैली का, और एजुकेशनल टैली प्रोफेशनल टैली में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आप टैली में कंपनी प्रॉपरली कैसे क्रिएट करेंगे, आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैली में जीएसटी को कैसे इनेबल करना है प्रॉपरली। तो अगर आपने टैली में प्रॉपरली अपनी कंपनी क्रिएट करके रखी है, तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि आप जीएसटी कैसे इनेबल करेंगे टैली में। आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए नीचे में आप बटन बार में ऑप्शन मिलेगा फीचर्स का, आपको इसके अंदर जाना है। आप चाहें तो क्लिक करके जा सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की है F11, उसे प्रेस करके भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेचरी एंड टैक्सेशन मिलेगा, आपको इसके अंदर जाना होगा। यहाँ पर आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मिलेगी, इसे यस कर लेना होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस कर लेना होगा। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, अगर आप कंपोजिट डीलर हैं तो कंपोजिट स्कीम चूज करेंगे, अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो रेगुलर स्कीम चूज करेंगे। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप अदर टेरिटरी में हैं यानी एससीजेड वगैरह में हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन वहां है एससीजेड वगैरह में, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो ही रहने देंगे। जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपका जीएसटी नंबर हो। उसके बाद एप्लीकेबल फॉर्म, ऐसे तो जीएसटी एप्लीकेबल हुई है 1/7/2017 को, लेकिन आपको वो डेट डालनी है जिस डेट से आप वर्क कर रहे हैं, या फाइनेंशियल ईयर की आपको डेट डालनी है। जैसे कि अभी ये 19-20 चल रहा है, तो हमने यहाँ पर डेट एंटर करके रखी है 1/4/2019। उसके बाद पीओडीसिटी ऑफ GSTR1, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आप यहाँ मंथली चूज करेंगे, क्योंकि आपको उस सिचुएशन में जो GSTR1 है वो मंथली फाइल करनी होती है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप यहाँ पर क्वार्टरली चूज करेंगे, क्योंकि उस केस में आपको जो GSTR1 होती है यानी सेल्स वगैरह की जो डिटेल होती है वो आपको क्वार्टरली फाइल करनी होती है। और फ्रेंड्स, ऊपर जो मैंने स्टेट बताया वो स्टेट वो होगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद ईवे बिल एप्लीकेबल, इसे यस करेंगे क्योंकि अब ईवे बिल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर यस करने के बाद आप यहाँ पर जो एप्लीकेबल फॉर्म है यहाँ पर डेट 1/4/2019 डाल देंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर 19-20 चल रही है, तो 1/4 से ही आपका ईवे बिल एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल तो ऐसे पहले से ही है, लेकिन इस ईयर के लिए 1/4 से एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर 1/4/2019 डाल देंगे। अगर मानकर चलिए आप बैक डेटेड एंट्री करने हैं, तो आप चेक कर लेंगे कि ईवे बिल कब से एप्लीकेबल हुआ है इंडिया में या आपकी स्टेट में, तो वो डेट आप यहां पर एंटर कर देंगे। लेकिन अभी 19-20 के लिए आप 1/4/2019 डालेंगे। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, यहां पर इनवॉइस वैल्यू रहता है, आप वही रहने देंगे। ऐसे यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज में, एक इनवॉइस वैल्यू यानी इनवॉइस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका ईवे बिल जनरेट होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि ईवे बिल की लिमिट है 50,000 से, अगर आपकी एक्सीड करेगी इनवॉइस वैल्यू विथ टैक्स तो आपको ईवे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पर 1,00,000 की लिमिट है। ऐसे ही हर स्टेट में हो सकता है अलग भी लिमिट हो, लेकिन नॉर्मली जो जीएसटी में ईवे बिल का कॉन्सेप्ट है वहां पर 50,000 की लिमिट चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू ही रहता है बाई डिफॉल्ट, आप वही रहने देंगे। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो आप टैक्सेबल गुड्स वैल्यू कर सकते हैं या टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट गुड्स वैल्यू कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मली इनवॉइस वैल्यू ही रहने देते हैं। थ्रेश होल्ड लिमिट यहाँ पर 50,000 ही रहेगी, क्योंकि इंटर स्टेट के केस में 50,000 की ही थ्रेश होल्ड लिमिट है, यानी 50,000 से जैसे एक्सीड होगी इनवॉइस वैल्यू तो उस सिचुएशन में ईवे बिल जनरेट करना होगा। अगर आप मानकर चलिए बिहार में बैठे हैं और आप यूपी में सेल कर रहे हैं, तो आपके राज्य की जो भी लिमिट हो, आपके राज्य के अंदर जो भी लिमिट हो, लेकिन अगर आप यूपी में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य सेल हो गया, वहां पर 50,000 की ही लिमिट है। इसके बाद एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अपने ही राज्य में, तो यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि उस केस में भी ईवे बिल एप्लीकेबल है, यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद थ्रेश होल्ड लिमिट, यहाँ पर आप अपनी लिमिट अपने स्टेट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे कि मानकर चलिए मेरे स्टेट में 1,00,000 की लिमिट है, कि मैं अगर अपने स्टेट के अंदर यानी बिहार के अंदर 1,00,000 के अंदर का गुड्स मैं सेल करता हूं, तो वहां पर मुझे ईवे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। मैं चाहूं तो कर सकता हूं, मैं चाहूं तो नहीं भी कर सकता हूं, तो मैंडेटरी नहीं है। तो हमारे स्टेट की लिमिट क्या है 1,00,000, तो मैं यहां पर 1,00,000 रुपए डाल दूंगा।
ठीक है, और फिर समय समय पर जैसे चेंज होगी तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर लूंगा। समझ गए फ्रेंड्स, यहां पर अपने स्टेट की लिमिट डालनी है, ऊपर में आपकी इंटर स्टेट की लिमिट 50,000 ही रहेगी। और मैं यहां पर एक बात बता दूं, जो मैंने यहां पर बताया आपको पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 और क्वार्टरली, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है लेकिन वो फिर भी मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप मंथली चूज कर सकते हैं, तो फिर वहां पर आपको जीएसटी पोर्टल में भी मंथली चूज करना होगा। उसके बाद यहां पर मैं 50,000 कर देता हूं। इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये फ्रेंड्स जब जीएसटी आई थी तब कहा गया था कि अगर आप गुड्स या सर्विस कुछ भी सप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में अगर आप एडवांस लेते हैं तो आपको एडवांस के ऊपर एस्टिमेटेड इनवॉइस बनाकर टैक्स जमा करनी होगी। मानकर चलिए मैंने अप्रैल मंथ में किसी पार्टी से एडवांस ली और मैंने अप्रैल मंथ में सेल नहीं की, चाहे सप्लाई नहीं की मैंने सर्विस की या गुड्स की, तो उस सिचुएशन में मैं जब अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल करूंगा तो जो मैंने एडवांस लिया उसके ऊपर मुझे एक एस्टिमेटेड यानी अंदाजन एक इनवॉइस बनानी होगी कि मैं ये सर्विस या ये गुड्स देने वाला हूं उस पार्टी को, और उसके ऊपर जो टैक्स बनेगी वो मुझे गवर्नमेंट को दे देनी होगी अप्रैल मंथ की रिटर्न में, और वो जीएसटी पोर्टल पे मुझे मेंशन भी कर देनी होगी। एडवांस रिसिप्ट का वहां पर ऑप्शन रहता है जीएसटीआर 1 में, वहां जाके उसकी डिटेल मेंशन भी कर देनी होगी। फिर बाद में जब वो एक्चुअल सेल होगी हमारी, चाहे गुड्स की हो या सर्विस की हो, अगर वो कम ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगी। जब जीएसटी आई थी तो ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में फिर गुड्स के ऊपर से इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। आई थिंक इसकी डेट है 12 अक्टूबर 2017 को गुड्स के ऊपर से इसे एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी 12 अक्टूबर 2017 के बाद से अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं और आप किसी से एडवांस लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट में आपको कोई एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई जीएसटीआर 1 में एडवांस वगैरह की डिटेल्स देने की जरूरत है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपका ये ऑप्शन नो रहेगा, यानी अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, सिर्फ सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप एडवांस लेते हैं ना तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देनी है एस्टिमेटेड इनवॉइस बनाकर, ना ही जीएसटीआर 1 में एडवांस की कोई डिटेल्स देनी है, और उस सिचुएशन में आपको टैली में इस ऑप्शन को नो रखना है। लेकिन अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में अभी भी एडवांस लेने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा एस्टिमेटेड इनवॉइस बनाकर, और जीएसटीआर 1 में उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, देखिए फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज तो अभी भी अप्लाई है सेक्शन 9(3) और सेक्शन 5(3) में, यानी जीटीए वगैरह के ऊपर, जीटीए या लीगल सर्विस ऑफ एडवोकेट के ऊपर आज भी आरसीएम अप्लाई है। लेकिन यहां पर जो आरसीएम की बात हो रही है वो हो रही है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी यहां पर सेक्शन कवर हो रहा है सेक्शन 9(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, इसके अलावा सेक्शन 5(4) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, यानी अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स या सर्विस मिलाकर एक दिन के अंदर 5,000 से ज्यादा ले लेते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स देनी पड़ती थी आरसीएम के अकॉर्डिंग, तो ये कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल एग्जेम्प्ट है, यानी ये भी कॉन्सेप्ट आपका एग्जेम्प्ट हुआ है। जो डेट मुझे याद है 12 अक्टूबर 2017 को, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था, तब हमें ये ऑप्शन यस करना पड़ता था, लेकिन अब हमें इस ऑप्शन को यस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप आरसीएम के बारे में ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही 3 घंटे की एक वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने पूरी डिटेल में उसके बारे में बताया हुआ है, और साथ में आपको वो सारी वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी जो बेसिक कॉन्सेप्ट के 3 पार्ट है। तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया होगा कि इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज आपके केस में नो ही रहेगा, भले सेक्शन 9(3) और 5(3) एप्लीकेबल है आरसीएम का जीटीए के ऊपर, लीगल सर्विस ऑफ एडवोकेट के ऊपर या और भी कई चीजों के ऊपर, तो उस केस में आपको इस ऑप्शन को यस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में आप डायरेक्टली टैली में एंट्री कर सकते हैं। इस ऑप्शन को तभी यस करेंगे जब आगे चलकर फिर से सेक्शन 9(4) या 5(4) एप्लीकेबल होगा, अभी फिलहाल वो एग्जेम्प्ट है, तो अभी फिलहाल आपको इस ऑप्शन को यस नहीं करना है। और साथ में अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपको ये जो एडवांस का जो ऑप्शन है एडवांस रिसिप्ट का, इसे भी आपको नो रखना है। सर्विस के केस में आप इसे यस करेंगे, फिर आपको रिसिप्ट वाउचर में एक अलग से टैब मिलेगा एडवांस का, फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। तो इसके लिए भी मेरी ऑलरेडी वीडियो है, मैंने बहुत पहले जब जीएसटी आई थी तब मैंने वीडियो क्रिएट की थी, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मानकर चलिए आप सर्विस की सप्लाई करते हैं और आपको ये ऑप्शन यस करना है तो आप कैसे एंट्री करेंगे उस केस में, लेकिन वहां पर मैंने गुड्स के केस में सारी चीजें बताई थी क्योंकि तब गुड्स के ऊपर भी अप्लाई था, आप उसे सर्विस के अकॉर्डिंग भी लेकर चलेंगे। और फ्रेंड्स मैं यहां पर एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने ऑप्शंस बताए ईवे बिल के, ये जो मैंने
बताया कि 1000 लिमिट है, 50,000 की लिमिट है, तो यहाँ पर ये डालने की क्या बेनिफिट होती है? अगर आपने यहाँ पर जो लिमिट डाल दी, जब आप सेल करेंगे सेल्स वाउचर में जाकर, तो वहां पर जैसे आपकी इनवॉइस की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर 50,000 डली हुई है, 50,000 से एक्सीड करेगी, तो उस सिचुएशन में वहां एक ऑप्शन आ जाता है नीचे में नरेशन के ऊपर कि आपको जीएसटी के लिए ईवे बिल बनाना पड़ेगा, यानी इनवॉइस के लिए ईवे बिल बनाना पड़ेगा। जैसे आप वहां यस करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी ईवे बिल की डिटेल्स की, तब वहां पर आप वो ईवे बिल की डिटेल्स डाल सकते हैं। यानी जो आपकी वैल्यू यहां पर डली होगी, जैसे आपकी सेल्स इनवॉइस में वो वैल्यू एक्सीड होगी इनवॉइस को क्रिएट करते टाइम, तो आपको ईवे बिल की डिटेल्स वहां आ जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिल रहा है सेट टोटल जीएसटी रेट डिटेल्स। ये जो ऑप्शन है नॉर्मली सभी के केसेस में नो रहता है। अगर आप इसे यस करते हैं तो इसकी क्या बेनिफिट होती है वो मैं आपको बता देता हूं। यस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी। तो पहले तो मैं आपको एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि ये ऑप्शन सबके केस में नो रहता है। ये वही लोग यस करते हैं जिनके बिजनेस में या तो वो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, और उनके बिजनेस में या तो वो एक दो गुड्स या एक दो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, या मान कर चलिए 10 गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं या 10 तरह की सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हैं, और सबके जीएसटी रेट और एचएसएन कोड सेम है। सबसे पहली बात, ये ऑप्शन सबके केसेस में नो रहता है। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को नो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ऑप्शन को आखिर टैली ने यहां दिया क्यों? तो इस ऑप्शन को उन लोगों के लिए दिया गया है टैली के तरफ से जिन लोगों के बिजनेस में उनके गुड्स एक या दो रहते हैं, मोस्टली एक या दो गुड्स ही वो सप्लाई करते हैं, या अगर मानकर चलिए 10 गुड्स हैं भी, तो सिचुएशन में सभी गुड्स के जो एचएसएन कोड और जीएसटी रेट है वो सेम रहते हैं। तब उस सिचुएशन में क्या होता है कि इस ऑप्शन को यस करने के बाद यहां पर एचएसएन कोड एंटर करेंगे और जीएसटी रेट एंटर करेंगे, तो फिर जब आप जो गुड्स है उनके जो आइटम्स क्रिएट करेंगे वहां पर आपको एचएसएन कोड और जीएसटी रेट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ आप एक बार यहां मेंशन कर देंगे उनका एचएसएन कोड और जीएसटी रेट, तो आइटम क्रिएट करते वक्त आपको वो सारी डिटेल्स डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां पर ऑटोमेटिक टैली उसे पिक कर लेगी। तो आपने समझ लिया कि नॉर्मली केसेस में ये ऑप्शन नो रहता है, ये उसी केस में यस रहेगा ऑप्शन जब आपके बिजनेस में ऐसे गुड्स या सर्विसेज है जिनके सभी के एचएसएन कोड और जीएसटी रेट सेम है, तो उस सिचुएशन में आप इसे यस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सिचुएशन में ये ऑप्शन यस होता है। कई बार क्या होता है कि जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं या लेजर क्रिएट करते हैं, तो वहां पर आपको सेट टोटल जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन वहां भी मिलता है, तो वहां पर आपको कई बार ये जो ऑप्शंस आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये ऑप्शंस आपको वहां कम रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वहां हम लोग आपको बताते हैं कि आपको इस तरीके से F12 यानी कॉन्फिग ऑप्शन मिलता है, और वहां पर अगर आप ये ऑप्शंस यस कर लेंगे, जैसा कि हम लोग आपको बताते हैं कॉन्फिग में जाकर अगर आप ये जो ऑप्शंस आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यस कर लेते हैं, तो लेजर्स में या स्टॉक आइटम्स में आपको जो बाहर में ऑप्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये सारे ऑप्शंस पूरे के पूरे आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग आपको बता तो देते हैं कि F12 या कॉन्फिग में जाकर आप ये सारे ऑप्शंस यस कर लीजिए, तो आपको जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स होती है लेजर्स की या स्टॉक आइटम्स की, वहां पर ये जो बाहर में विंडो रहती है यहां पर पूरे ऑप्शंस आ जाएंगे एचएसएन के, जीएसटी रेट के, अगर आपके कम आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका F12 कॉन्फिग में ही ये सारे ऑप्शंस सही से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि यहां पर F12 को 5 ऑप्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कई बार जब आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाएंगे आपको वो विंडो में कम ऑप्शंस रिफ्लेक्ट होंगे। आप F12 में जाकर उसे एक्टिवेट करने का सोचेंगे तो आपको एक या दो ऑप्शंस यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे, बाकी ऑप्शंस रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे। तो उस सिचुएशन में आपको आना पड़ता है, यहीं पर इस विंडो में आना होता है, और यहां पर आने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर लेना होता है। यस करने के बाद आपको सिर्फ एंटर करके उसे एक्सेप्ट करना होता है, कोई एचएसएन डिटेल या जीएसटी रेट नहीं डालना होता है, सिर्फ यस करना होता है। यस करने से क्या होता है कि आपका जो लेजर है या जो स्टॉक आइटम है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में अगर कम ऑप्शन आ रहे हैं, तो कॉन्फिग में आपको जो भी ऑप्शन होंगे वो पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका यूज आपने समझ लिया होगा कि नॉर्मली ये नो रहता है, ये दो केसेस में यस होगा। एक, अगर मानकर चलिए आप वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करें जिनके सभी के जीएसटी रेट और एचएसएन कोड सेम है, तो वहां पर आप इसे यस करके यहां पर एचएसएन कोड और जीएसटी रेट की डिटेल्स डाल देंगे। इसके अलावा उस केस में यस होगा जबकि आप लेजर या स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में जाके, वहां पर अगर आपको वो विंडो में सारी डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही है और आप F12 यानी कॉन्फिग में जाके उन ऑप्शंस को यस करना चाह रहे हैं और वहां पर भी आपको डिटेल्स अच्छे से नहीं दिखाई दे रही, ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं,
तो आप यहां आके इस विंडो को यस कर लेंगे, मतलब इस ऑप्शन को यस कर लेंगे और यहां पर कोई डिटेल नहीं डालेंगे, सिर्फ यस करके छोड़ देंगे, तो वहां पर आपको वो सारे ऑप्शंस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे F12 कॉन्फिग में। उसके बाद फ्रेंड्स इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये ऑप्शन भी नॉर्मली नो रहता है। इस ऑप्शन का यूज क्या है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेट क्रिएट की हुई है एचएसएन क्लासिफिकेशन की, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन यहां पर मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, मानकर चलिए आपके बिजनेस में हजारों आइटम है लेकिन सभी के अगर एचएसएन कोड हम मिला लें तो 10 से 15 एचएसएन कोड है, आइटम हजारों हैं लेकिन अगर हम सभी के एचएसएन कोड या जीएसटी रेट देखें तो 10 से 15 एचएसएन कोड या जीएसटी रेट है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम आइटम बनाते हैं तो हमें बार बार होता क्या है कि बार बार एक एक आइटम के एचएसएन कोड और जीएसटी रेट उस आइटम को क्रिएट करते वक्त डालने पड़ते हैं। कई लोग तो ग्रुप भी बना लेते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हजार आइटम है लेकिन ग्रुप भी हमारे 100 है, जो भी हमारे आइटम्स है वो अलग अलग ग्रुप में आते हैं, तो उस सिचुएशन में ग्रुप से भी वो मसला हल नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्लासिफिकेशन से उसे हल करते हैं। अगर मानकर चलिए हजारों आइटम है और 10 एचएसएन कोड है और जीएसटी रेट भी 10 है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप नहीं चाहेंगे कि हम हजारों आइटम में बैठ कर जब हम आइटम क्रिएट करें तो एक एक आइटम में हम एचएसएन कोड और जीएसटी रेट डालें, तो उस सिचुएशन में आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहां पर आप वो जो 10 तरह के एचएसएन कोड और जीएसटी रेट है उसे यहां पर बना सकते हैं, फिर आप जब आइटम क्रिएट करेंगे तो वहां पर सिर्फ आपको चूज करना पड़ेगा, टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसका यूज वहीं आता है। ऐसे आपको अगर डीपली समझना हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ छोटी सी हिंट दी। इसके अलावा प्रोवाइड एल्यूटी बॉन्ड डिटेल्स, इस ऑप्शन का यूज एक्सपोर्ट के केस में होता है, ऐसे नॉर्मली ये नो रहता है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वही इसे यस करते हैं, अदरवाइज सभी लोग इसे नो रखते हैं। और यहां पर ये जो ऊपर में ऑप्शन मैंने बताया, इस ऑप्शन को अगर आप यस करेंगे तो जब आप इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करने, तो वहां पर आपको एचएसएन क्लासिफिकेशन की एक ऑप्शन मिलेगी, वहीं पर जाके आपको सारी चीजें क्रिएट करनी होगी जो अभी तक मैंने बताई। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई कि रेगुलर डीलर के केस में आप इस तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो ही इसका इफेक्ट आपकी टैली पर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कंपोजिट डीलर की बात करूं तो वहां क्या करना होगा, आपको सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में कंपोजिट डीलर चूज करना होगा। यहां पर आपको यस करने के लिए कहा जाएगा, आप एंटर करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको वही ऑप्शंस यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लगभग जो आपको रेगुलर डीलर के केस में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। यहां पर आप देख सकते हैं एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वैसे ही जीएसटी नंबर भी वही है। फ्रेंड्स यहां पर जो ये जीएसटी नंबर होता है ये 15 डिजिट का होता है, अगर आपने इसे ज्यादा डिजिट डाल दिए या कम डिजिट डाला तो आपकी टैली एरर दे देगी, आपको बोलेगी कि आपने गलत जीएसटी नंबर एंटर किया है। इसके अलावा जो जीएसटी नंबर पोर्टल पर रजिस्टर होगा वही डालेंगे, अगर आपने कोई और जीएसटी नंबर यहां पर एंटर कर दिया भले ही वो 15 डिजिट का क्यों ना हो तो भी आपको टैली एरर दे देगी, टैली वहां से पिक कर लेती है, बिना नेट कनेक्ट किए भी टैली पिक कर लेती है कि ये जीएसटी नंबर आपका जीएसटी पोर्टल रजिस्टर है कि नहीं। इसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं, ये जो जीएसटी नंबर होता है यहां पर जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं ये आपके स्टेट कोड होते हैं, जैसे बिहार का 10 है तो यहां पर आपको इससे पता चल जाएगा कि ये जो जीएसटी नंबर है किस स्टेट का है, जैसे कि दिल्ली का है 07, यहां पर फर्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद आपका पैन नंबर होता है, जिस पैन नंबर को लेते हुए आपने रजिस्ट्रेशन लिया जीएसटी में वो पैन नंबर रहता है 10 डिजिट का, उसके बाद आपके 3 डिजिट और रहते हैं जो कि बाकी कोड होते हैं। एप्लीकेबल डेट भी वही है, यहां पर सिर्फ टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कंपोजिट डीलर के केस में टैक्स रेट 1% है उसकी टर्नओवर के ऊपर, आपको पता होगा कि अगर उसकी टर्नओवर है 40 लाख तो उसके ऊपर 1% के हिसाब से 40,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसे टैक्स, तो उसकी जो टैक्स रेट है टर्नओवर के ऊपर 1% है तो वो यहां पर एंटर करनी होगी। रेस्टोरेंट के केस में आई थिंक 5% है टर्नओवर के ऊपर टैक्स रेट, तो अगर रेस्टोरेंट का आप बना रहे हैं यहां पर जीएसटी नंबर रेस्टोरेंट के लिए इनेबल कर रहे हैं और आप कंपोजिट डीलर में है तो आप यहां पर 5% डाल देंगे। और फ्रेंड्स जैसे ही यहां पर आप जो भी रेट्स डालेंगे उसके बाद इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद कभी भी गवर्नमेंट चेंज करेगी, अगर मानकर चलिए रेट आगे चल के गवर्नमेंट चेंज करती है तो यहां पर आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी बार पे टैक्स रेट हिस्ट्री की, ये जहां पर मैं कर्सर हिला रहा हूं, फिर इसमें जाके आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब आ जाइए, या आप चाहें तो यहां पर भी चेंज कर सकते हैं, फिर आप एप्लीकेबल फ्रॉम यहां पर चेंज कर देंगे, डेट जो है जिस डेट को गवर्नमेंट चेंज करेगी वो डेट यहां पर एंटर करेंगे, उसके बाद यहां पर रेट वही डेट में जो रेट एप्लीकेबल होगा वो यहां पर एंटर कर देंगे। ईवेबल का कॉन्सेप्ट सेम होगा, डेट वगैरह ये सारी चीजें सेम ही होंगी जैसा कि अभी तक मैंने बताया। और यहां पर
आप देख सकते हैं इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज, इसे हम नो ही रखेंगे। ये वही है जो रिवर्स चार्ज का मैंने बताया था, सेक्शन 9(4) और 5(4) वाला, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब चलिए हम वापस से चलते हैं। देखिए यहां पर आपको टैक्स रेट हिस्ट्री का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ही आपको जीएसटी को इनेबल करना होगा टैली में, चाहे कंपोजिट डीलर हो चाहे रेगुलर डीलर हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।